दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आज की नई कहानी में। तो दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है बात का बतंगड़। मानव और रेखा की शादी को 4 साल होने आए थे, पर उन्हें देखकर यही लगता था कि नवविवाहित जोड़ा है। दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जीते थे और एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। ऐसे आदर्श दंपति के तलाक की खबर हर किसी के लिए एक धमाके जैसी ही थी। पड़ोसियों के साथ साथ काम वाली सब्जी वाला तक हैरान थे कि इन दोनों में ऐसा क्या हुआ जो तलाक की नौबत आ गई। सभी जानना चाहते थे कि हुआ क्या है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके घर जाकर सवाल करने की। आज जब पास की दुकान में रेखा सामान लेने गई तो वहाँ उसे सीमा मिल गई। सीमा और रेखा न सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि सुख दुख के साथी भी थे, पर अब तक रेखा ने उसे अपने तलाक के बारे में न कुछ कहा न अपना कोई दुख साझा किया। इसीलिए सीमा थोड़ी झिझकते हुए रेखा से बोली, सब ठीक है ना रेखा? हाँ भाभी, अब तक तो सब अच्छा है, आगे पता नहीं। ये कहकर रेखा हंसने लगी। सामान लेने के बाद दोनों साथी दुकान से निकले और घर की तरफ चल दिए। हालांकि सीमा के मन में बहुत से सवाल थे पर वो पूछ नहीं पा रही थी। इसी कश्मकश में घर आ गया। चलिए भाभी, मैं खाना बनाने में लगती हूँ, बाद में मिलते हैं हम लोग। बहुत दिन हो गए हमने बैठकर गप्पे नहीं मारी, रेखा ने अपने घर का मुख्य द्वार खोलते हुए सीमा से विदा ली। सीमा से अब रहा नहीं गया तो बोल ही पड़ी, बाद में कब मिलोगी रेखा? अब तो शायद तुम यहाँ रहोगी भी नहीं। मुख्य द्वार खोलते खोलते रेखा के हाथ वहीं रुक गए और वो सीमा की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, भाभी मैं कहाँ जाऊँगी अपना घर छोड़कर? और बाद में मिलने का इसलिए बोला मैंने क्योंकि मानव के कुछ दोस्तों को आज आना है, रात के खाने पे तो उसकी तैयारियां करनी है मुझे। और आपको पता है ना, जब हमारी बातें शुरू होती है तो समय का पता नहीं चलता। सीमा के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिख रही थी और वो बोल ही पड़ी, जिस पति से तलाक लेने वाली हो उसके दोस्तों के लिए इतना परेशान क्यों होना है तुम्हें? तलाक? मैं किससे तलाक लेने वाली हूँ? रेखा ने असमंजस भरी निगाहों से सीमा को देखते हुए पूछा। सीमा, अरे मानव से ही लोगी ना तलाक, और किससे लोगी? रेखा, और ये आपसे किसने कहा कि मेरा और मानव का तलाक होने वाला है? सारे मोहल्ले को पता है, यहाँ तक कि सब्जी वाला, कपड़े वाला, काम वाली तक को पता है। अब तो रेखा की हैरानी परेशानी में बदल गई, उसने सीमा को अंदर आने के लिए कहा। तभी रेखा का फोन बजने लगा। हाँ मानव, बोलो क्या हुआ सुमित को? अच्छा कोई बात नहीं, शनिवार का रखते हैं। वैसे सच पूछो तो आज का कार्यक्रम स्थगित करके तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता कर दी है। हाँ हाँ सब ठीक है, बस घर आ जाओ शाम को, फिर विस्तार से बताऊंगी कि क्या सहायता की तुमने आज मेरी। चलो ध्यान रखो और मन लगा के काम करो, हंसते हुए रेखा ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सीमा समझ गई कि मानव का फोन था, आज रात दोस्तों का आना कैंसिल हो गया था। खैर उसे क्या लेना देना, उसे तो घर जाना चाहिए। अब सोचते हुए सीमा ने जैसे ही कदम बढ़ाया, रेखा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाभी अब तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, चलिए पहले मेरे तलाक का मुद्दा सुलझाते हैं। अंदर आकर सबसे पहले रेखा ने फ्रिज में से जूस निकाला और 2 गिलास में डालकर ले आई। सोफे पे बैठ के सीमा से पूछा, अब जरा पूरी बात बताओ भाभी कि ये तलाक का क्या माजरा है? सीमा अब इतना तो जान चुकी थी कि तलाक की बात सच नहीं है, पर अब तो उसे भी उत्सुकता थी पूरी बात जानने की। रेखा के पूछने पर वो फौरन बोल पड़ी, अरे वो तीसरे घर वाली आरती है ना, उसी ने कहा था कि रेखा भाभी और मानव भाई साहब तलाक लेने वाले हैं। अब तो रेखा और परेशान हो गई, आरती को कैसे पता, क्योंकि उसके साथ तो रेखा की ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती। कुछ सोचकर वो उठी और सीमा से बोली, चलो भाभी पता करते हैं आखिर मेरा तलाक मोहल्ले में चर्चा का विषय कैसे बन गया। दोनों आरती के घर पहुंचे और देखा तो रेखा की दूसरी पड़ोसन सुषमा भी वहीं बैठी हुई थी। अरे सीमा, रेखा यहाँ इस वक्त? आरती ने पूछा। इससे पहले कि रेखा या सीमा कुछ बोलती, सुषमा बोल पड़ी, वैसे रेखा मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ तुम्हारे बारे में जब पता चला। देखो अगर तुम चाहो तो हमसे अपनी परेशानी साझा कर सकती हो, क्या पता कोई समाधान निकल आए और तलाक की नौबत ही ना आए। देखो हम लोग तुमसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं तो बस इसी अधिकार से पूछ रहे हैं। जब से तुम्हारे तलाक का पता चला है हम सब परेशान हैं। मतलब आपको भी पता है हमारे तलाक का? रेखा सोफे पर बैठते हुए बोली, सबको पता है अब तो। सीमा, सुषमा, आरती तीनों एक साथ बोल पड़ी। रेखा ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि आखिर ये बातें शुरू कहाँ से हुई? देख आरती को तो मैंने बताया और मुझे बेला ने बोला था। रेखा के सवाल पर सुषमा ने जवाब दिया, बेला सुषमा रेखा दोनों के घर पर काम करती थी। दरअसल जब रेखा नई आई थी मोहल्ले में तो सुषमा ने अपनी कामवाली को भेज दिया था मदद के लिए, तब से बेला दोनों के घरों में काम कर रही थी। हालांकि सुषमा के घर में वो पूरे दिन में रहती थी
और उसके बच्चों को भी संभालती थी, पर रेखा के घर में सिर्फ सुबह के वक्त जाती थी। एक काम करते हैं, बेला से ही पूछ लेते हैं कि माजरा क्या है, सीमा ने सुझाव दिया। बाकी तीनों भी सहमत थी। चारों चली गई सुषमा के घर की तरफ बेला से मिलने। घर पहुंचकर सुषमा ने बेला को आवाज लगाई। बेला शायद अंदर बर्तन साफ कर रही थी तो आवाज सुनकर अपने हाथ पहुंचते हुए बाहर आई। जी मैम साहब, कहिए। बेला, ये बताओ कि रेखा और मानव के तलाक की बात तुमने कहाँ से सुनी? और देखो सच सच बताना, क्योंकि अब तो मामला बहुत बिगड़ चुका है, सुषमा ने बेला को थोड़ा सा डराने वाले अंदाज में बोला। बेला पहले तो थोड़ी घबराई, फिर धीरे से बोली, हमने मैम साहब और साहब की बात सुन ली थी, अब तो डिवोर्स ही समाधान है, इसीलिए हमें लगा कि ये दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। हमें इतना तो मालूम है कि डाइवोर्स का मतलब तलाक होता है। अब सबकी नज़रें रेखा की तरफ थी और वो ये सोच रही थी कि आखिर ऐसी बात कब हुई थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो जोरों से हंसने लगी। सब लोग अब तक समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। रेखा ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर बताना शुरू किया। दरअसल अब शादी को 4 साल हो गए हैं तो हमने अपना परिवार बढ़ाने का फैसला लिया, पर मेरे शरीर में मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं माँ बनने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हूँ या नहीं। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग एक महिला चिकित्सक से सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने कुछ विटामिन दिए और कहा कि तुम्हें कोई और समस्या नहीं, बस अच्छा खाना खाओ और सबसे ज़रूरी है रात को अच्छी नींद लेना। पर साथ में मानव को अपने दफ्तर में पदोन्नति मिली है जिसकी वजह से उनका काम बढ़ गया। अब वो घर पर ही देर रात तक काम करते हैं और उनके लैपटॉप की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए हम दोनों ने तय किया कि कुछ हफ्तों के लिए हम लोग स्लीप डाइवोर्स ले लेते हैं। इसका अर्थ है अलग अलग कमरे में सोना। उस दिन मानव यही कह रहे थे कि अब तो स्लीप डाइवोर्स ही समाधान है। बेला ने ये सब सुन लिया होगा और सबको जाकर बता दिया कि हमारा तलाक होने वाला है। हे भगवान, सब ने अपना सिर पीट लिया। ये तो वही बात हुई कि खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, आरती हंसते हुए बोली। इस पर सभी हंसने लगे और बेला माफ़ी मांगते हुए अंदर खिसक ली। तभी रेखा सबको चुप कराते हुए बोली, देखो बेला तो पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुम सब तो समझदार हो ना, फिर क्यों इस तरह की बात सुनकर बजाय मेरे पास आने के जाकर दूसरों को बताने लगे। इस बात पर सबने रेखा से माफ़ी मांगी और कहा कि हमें डर था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तभी सुषमा अंदर जाकर मिठाई लेकर आई और सबको खिलाते हुए बोली कि चल अब ये खुशी है कि हमारे मोहल्ले में लव बर्ड्स अलग नहीं होने वाले, बल्कि वो तो 2 से 3 होने वाले हैं, और इस बात का अब हम सब ध्यान रखेंगे कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।